संसद सत्र शुरू होने पर पहले प्रोटेम स्पीकर चुना जाएगा। पहले सत्र में नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 20 जून को स्पीकर चुना जाना है, 21 जून को राष्ट्रपति को संबोधन देना है। तो राष्ट्रपति संबोधन दे सकते हैं, 21 जून को संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकती हैं राष्ट्रपति। सोर्सेस के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है, हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे। 18 जून को शुरू हो सकता है संसद सत्र। तो नई सरकार के नए मंत्रियों के आप चेहरे देख रहे हैं, फिलहाल आज बड़ी बैठक होनी है। अब 18 जून को शुरू हो सकता है संसद का सत्र, जो जानकारी मिल रही है इस पर विनीत और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। विनीत, क्या जानकारी मिल रही है 18 जून को शुरू हो सकता है संसद का सत्र? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 18 जून को जो है वो संसद का सत्र जो है वो शुरू हो सकता है। सबसे पहले जो है वो प्रोटेम स्पीकर का जो है वो चुनाव होगा, और उसके बाद जो प्रोटेम स्पीकर होंगे वो सभी जो लोकसभा के सांसद है, 18वीं लोकसभा के जो सांसद हैं, उन्हें शपथ दिलवाएंगे, और उसी शपथ में दिलवाने के जो क्रम है वो अगले 3 से 4 दिन जो है वो चल सकता है, और इसी के बाद है, इसी दौरान जो है वो स्पीकर का भी चुनाव जो है वो हो सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण यह दौर हो जाता है। 18 जून से जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जिसके अनुसार 18 जून को जो है वो लोकसभा का 18वीं लोकसभा का जो पहला सत्र है उसकी शुरुआत हो सकती है। जिस तरह से परंपरा रही है, सबसे पहले जो है वो प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, और प्रोटेम स्पीकर को जो है वो शपथ दिलवाई जाती है, और उसके बाद ही प्रोटेम स्पीकर जो है वो सभी सांसदों को जो है वो शपथ दिलाते हैं। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह की परंपरा रही है, उस परंपरा के अनुसार प्रोटेम स्पीकर उसी व्यक्ति को चुना जाता है जो है सबसे अधिक बार जो है वो का सांसद बना हो। तो सामान्यतया जो सबसे वरिष्ठ सांसद होते हैं, जिनका अनुभव जो है लोकसभा में सबसे ज्यादा कार्यकाल का होता है, जो जितनी ज्यादा बार लोकसभा का चुनाव जो जीत करके आते हैं, उन्हें ही प्रोटेम स्पीकर जो है वो चुना जाता है, और उन्हें सबसे पहला शपथ जो है वो दिलाई जाती है, और उसके बाद ही वो जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो जो है वो सभी सांसदों को शपथ दिलाते हैं, और उसके बाद जो है लोकसभा स्पीकर का जो है वो चुनाव होता है। तो अब जो है चुनाव हो गए हैं, 18वीं लोकसभा को लेकर के जो चुनाव होने थे वो हो गए हैं, अब संसद का सत्र जो है वो शुरू होने वाला है, और इसकी शुरुआत जो हमारे सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि 18 जून से इसकी शुरुआत जो है वो हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका विनीत जानकारी के लिए।